तो दोस्तों YouTube के आ गए हैं 3 नए कमाल के अपडेट। अगर आप इन अपडेट को सही से फॉलो करते हैं तो आप अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में इन 3 अपडेट की बात करने वाला हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट मैं यहाँ पे बनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑली टैग। दोस्तों मैं आपको अपडेट देने से पहले एक सूचना दे देता हूं कि यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, उसमें कोई भी फंस सकता है, चाहे उसके कितने भी मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे वो छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो कल रात को बना दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे तीनों जगह डाल दूंगा, वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत काम का है। चलिए बात करते हैं अपडेट की। तो यार जो पहला अपडेट है ना, ये है यूट्यूब स्टोरी को लेकर। यूट्यूब अब एक ऐसा फीचर लॉन्च करने जा रहा है जिसमें क्या होगा कि जो स्टोरी है आपकी यूट्यूब की, उसमें आप अपनी गैलरी एल्बम से कोई भी फोटो वीडियो को ऐड कर पाएंगे अपनी स्टोरी के अंदर। अब इसका बेनिफिट ये है कि भाई देखिए, पहली बात तो आप iOS यूज करते हैं चाहे एंड्रॉइड यूज करते हैं, ये दोनों के लिए ही लॉन्च करने जा रहा है यूट्यूब। तो स्टोरी जो होती है वो आपके सब्सक्राइबर के अलावा जो अननोन पर्सन है उन तक भी पहुंचती है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपकी जो वीडियो है और आपकी जो स्टोरी ये अननोन लोगों तक पहुंचती है और इनसे आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं। आपने देखा होगा कई बार एनालिटिक्स में दिखाता है कि स्टोरी से आपको इतने सब्सक्राइबर मिले। तो अगर स्टोरी के अंदर यूट्यूब अच्छे अच्छे फीचर लाता है तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टोरी अपने चैनल पर बनाए, अगर आपको स्टोरी फीचर मिला हुआ है तो इससे आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे। और ये वाला फीचर जल्दी लॉन्च हो जाएगा, इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है कि आप किसी भी तरह की इमेज और वीडियो को वहां पे ऐड कर पाएंगे अपनी गैलरी से। चलिए बात करते हैं दूसरे अपडेट की, और यह है YouTube शॉर्ट्स को लेकर। तो देखिए अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो देखिए YouTube शॉर्ट्स की जो ऑडियो लाइब्रेरी थी, मतलब म्यूजिक लाइब्रेरी थी, उसमें म्यूजिक थोड़े कम थे। तो अभी YouTube ने क्या, उसमें बहुत ज्यादा और नए म्यूजिक वहां पे ऐड कर दिए, तो आप शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट्स में यह है कि अगर आप YouTube की जो लाइब्रेरी है जहां से वो म्यूजिक ऐड किए वहां से म्यूजिक यूज करके अगर शॉर्ट्स बनाते हो और आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाता है तो अभी इसी मंथ से YouTube शॉर्ट्स के जो बोनस थे वो भी मिलने लग गए हैं, तो आपको भी बोनस मिल सकता है और ये 31 दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। तो इससे आप अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के शॉर्ट्स वायरल हुए और उनको इस मंथ काफी सारा बोनस मिला जिसको उन्होंने क्लेम किया, तो ये हर मंथ मिलेगा। तो अब म्यूजिक बहुत सारा ऐड हो गया है तो आपको शॉर्ट्स बनाने में भी काफी आसानी होगी। अब यहाँ पे तीसरे अपडेट की बात कर लेते हैं। देखिए यूट्यूब का जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है वहां पे जो यूट्यूब है वो एक बॉटम नेविगेशन बार को एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। अब ये वाला जो फीचर था ये मुझे पहले ही मिल गया था क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो कंट्रीब्यूटर, तो मुझे टेस्टिंग के लिए मिला था, मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, आप लोगों के कहने पर मैंने फीडबैक भी सबमिट कर दिया। तो यूट्यूब ने कहा कि इसी वीक कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह फीचर मिलेगा, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद ये पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा। तो यार ये 3 अपडेट है, आप बताओ आपको कौन सी अपडेट अच्छी लगी। मुझे स्टोरी वाली और शॉर्ट्स वाली दोनों अपडेट बहुत अच्छी लगी। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।